BMW को हमने काफी टाइम से चलाया नहीं है, तो आज एक राउंड मारेंगे अंदर ही अंदर। राइड के लिए निकलना है जल्द से जल्द, लेकिन चीजें ऐसी आ रही है जो ऑटोमेटिकली लेट करवा रही है हमें। निसार भाई, एक कॉल पे सीधा आने वाले दोस्त भाई बुलाएगा, बढ़िया हो सकता है। ये ब्लू टाइगर से ब्लैक टाइगर बन चुकी है। हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अंसुल खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एमएसके एमएसके नाचो एमएसके। बाइक टेस्ट राइड करके हो गया, बाइक एकदम बढ़िया है। टायर का थोड़ा सा इशू है लेकिन काम चला लेंगे। अभी बाइक का मॉडिफिकेशन का जो काम है वो शुरू करना है, बहुत अर्जेंट बेसिस पे। पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पूरा उम्मीद तो है कि हो जाएगा, कोशिश करते हैं। तो अभी हमें जाना है हमारी पार्किंग के पास। और एक चीज देखें, मैंने क्या ऑर्डर किया है। ये मोबाइल होल्डर है, तो मोबाइल मेरा इस पे आ जाएगा। शफीक दिखा थोड़ा पब्लिक को जादू। ये है, हाँ ये है। वाह, ठीक है, खींच। नहीं निकलेगा। तो अभी मैंने ये क्यों ऑर्डर किया मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास जो रैम माउंट है उसमें क्या है ना कि डैम्पिंग वाला कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि मोबाइल अगर बाइक पे है, बाइक हिलता डुलता रहेगा ना, तो इसके सेंसर में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो है ना नीचे से अगर आप देखोगे, ये दिख रहा है, तो ये अपना मोबाइल को प्रोटेक्ट करेगा। इसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा किया गया है। काफी अच्छा है, मतलब वो महंगा अच्छा है। अभी तो खर्चे और भी होने हैं, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, ईयर्स, लंबा ट्रिप है ना, मजा आएगा। आजा 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 आजा, दिल ने छोड़े। अरे अरे रे रे, अरे रे भैया, ये क्या, इसका धागा निकल रहा है, क्या है क्या ये? अरे रे रे, ये क्या सीन है? अरे अरे, ये तो टूट गया। अभी बारिश नहीं हो रही तो फटाफट निकल जाते हैं, बारिश हुई तो फिर अटक जाएंगे। मुंबई गीला गीला हो चुका है, हरियाली फिर से आ गई है। अभी क्या है ना, ऐसे टाइम पे प्रॉब्लम ये है कि कुछ कुछ पेड़ जो हैं बारिश की वजह से गिर जाते हैं, थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है हमारा। अभी जैसे ये सारे जो पेड़ हैं, कभी अगर तूफान उफान हो गए, इसके ऊपर गाड़ी गिर गया तो ख़त्म। ऐसे हर साल एक केस तो देखने को मिलता है कि गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गए। राइड के लिए निकलना है जल्द से जल्द, लेकिन चीज़ें ऐसी आ रही है जो ऑटोमेटिकली लेट करवा रही है हमें। कैसे करें, लेकिन हम पूरी कोशिश में लगे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारा काम हमारा निपट जाए। पहाड़ों में निकलना था ये डिसाइडेड था, लेकिन जब सत्या बोला तो फिर थोड़ा चीज़ें स्पीडी तरीके से करने लग गया मैं। ये तो आराम आराम से ही कर रहा था सब, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि इस गाड़ी को साफ़ करवा रहा हूँ, यू नो, फिर टायर चेंज कर रहे हैं, मतलब काफ़ी वक्त ले लेके काम हो रहा था स्लो मोशन में। बट अभी टाइम लैप्स के हिसाब से काम को कंप्लीट करना है फटाफट। अंधेरा 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 है, वो रही हमारी फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर के बाजू में हमारे BMW है कि नहीं है? ये लाइट है ना चकाचौन। इधर तो वॉशिंग भी है भाई। आ रहा आ रहा आ रहा, आप फजील हैं? अभी अभी दोबारा मिलो, पहचान जाऊंगा। कैसे भाई, बढ़िया? और गल्ले पे बैठने वाले सेठ। निसार भाई, एक कॉल पे सीधा आने वाले दोस्त भाई बुलाएगा, बढ़िया हो सकता है। कल रात को 2 बजे मैंने मैसेज किया, सुबह उठे सीधा यहाँ पर आ गए। तो गाड़ी में जो काम करना है उसमें पहले हमें बेस जो है वो मैट ब्लैक करना है। तो अमित भाई बोल रहे थे कि मैट ब्लैक कैसे भी कर लो तो अपना काम हो जाएगा, और कल ईद भी है और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऐसे टाइम पे बुलाया हूँ कि मैं मतलब टाइम निकालना पड़ा, छोड़ के आया हूँ भाई के लिए बस। हाँ भाई, बुलाया तो मैं आना ही आना है, ऐसा मोहब्बत मोहब्बत यही मोहब्बत है भाई। यहाँ गाड़ी वॉश हो रही है, और ये जो गराज है ये हमारे फजील भाई का है, F3 मोटर्स। क्या लगता है कितनी गाड़ी होगी आपको? 200 250। तो ये सेकेंड हैंड गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, तो गाड़ी चाहिए तो ले लेना, आ जाना, मिल जाएगा, हम अपना करवाते हैं। सो प्लान के मुताबिक अभी अच्छे से अगर रैप करना है तो हमें ये खोलना पड़ेगा। अब ये खोलने का काम चल रहा है ताकि हमारे निसार भाई को एकदम ज़मीन खाली मिले। और तू क्या बोल रहा था, देखो बाइक पसंद आ गई है? कौन सी बाइक? जी सुजुकी। सुजुकी V-Storm? V-Storm लेगा, देखते हैं। BMW KTM नहीं, V-Storm। कौन सी वाली? 250। पहला माल हमारा रेडी हो चुका है, मैट ब्लैक में कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ब्लू या मैट। क्या बोलता है शफीक, पहले तू चलाएगा या मैं चलाऊँ? मैं चला के देखो, ठीक है? शफीक के लिए नई बाइक। सुजुकी V-Storm 250 मैंने चलाई थी विशाखापट्टनम में, वहां पर हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके पास थी ये गाड़ी। गाड़ी बढ़िया है, थोड़ा सा पावर की कमी है, बट लॉन्ग राइड के लिए तो बढ़िया मशीन है ये। इसको मैं भी चला सकता हूँ, शफीक भी चला सकता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, बड़ी बढ़िया है एकदम।
ले चला के देख। अरे मेरे लंगड़े घोड़े, कैसी लगी गाड़ी? कंफर्ट है ना? क्या है छोटी गाड़ी में BMW GS 310, KTM 250 या 390 भी, और कौन सा ऑप्शन है? एक हिमालयन है, अच्छे खासे ऑप्शन है ना, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है, गुड ऑप्शन। सोचते हैं इस महीने का सेल्स तो 1 करोड़ कर दे, तेरे को मिल जाएगी। इसी पार्किंग में हमारी BMW भी रखी हुई है। BMW को हमने काफी टाइम से चलाया नहीं है, तो आज एक राउंड मारेंगे अंदर ही अंदर, देखते हैं क्या रखेंगे। बहुत नाराज हो गए हैं तो जब मैं यहाँ पे निकलूंगा पहाड़ों के राइड के लिए, तो तेरे को थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा उसको, तो देखना पड़ेगा भाई। कम नाराज है कि ज्यादा नाराज है? ज्यादा नाराज से ज्यादा फटका देगी। इसका बैटरी निकाल के जाएंगे, तब कोई इशू नहीं होगा। हमारे गाड़ी के पास लाइट ज्यादा नहीं है, बट BMW हमारी है यहाँ पर, और ऐसा लगता है कि किसी ने खोल के हमारी BMW को चेक किया है। बहुत गंदी भी हो गई है ये। या बेबी हाउ आर यू? सलीना आपका जागने का टाइम हो गया है। या बेबी चलिए चलिए। बंद है ये? या बेबी रोरिंग बेबी। इसको चलाने में सबसे ज़्यादा मतलब फील होता है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई तुमको चला रहे हो। कंफर्टेबल नहीं है, मतलब काफ़ी कुछ है इसमें, सेटिंग पोजीशन ले लो या टर्निंग रेडियस या कुछ भी, बट मज़ा आता है। अरे भाई पूछने के लिए आपके पास कोई कपड़ा है क्या? यहाँ पर ये ले लो, क्या ऊपर वाला थोड़ा सा इसको पोंछ भी लेंगे। या बेबी आई एम सो सॉरी, क्या है कि तुम बहुत स्पेशल हो इसीलिए तुमको ज़्यादा चला नहीं पाता हूँ हम। चलो इसको रख देते हैं। ओह माँ, ओके बेबी थैंक यू, मिलेंगे पता नहीं कब मिलेंगे। जब तक गाड़ी का काम हो रहा है, गाड़ी का अभी क्या बारीकी वाला काम है ना, तो थोड़ा समय लगता है। जैसे अभी ये सब पार्ट हो गए हमारे, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा है, वो बचा है, और ये पूरा टैंक बचा है, पूरा खोल के रख दिया। वैसे मैं थोड़ा घर जाके आता हूँ, कुछ काम है अपने को, इसको जाएगा 1 से 1.5 घंटा और जाएगा, तब तक ये अपने फजील भाई की गाड़ी है, ये लेके जाता हूँ और थोड़ा काम करके फिर वापस आता हूँ। एडवेंचर 390 KTM, ये भी अच्छी भाई है। इसमें अच्छा है कि पावर है, बाकी सर्विस कॉस्ट सब महंगे है इसका। इसका सामने का डिस्प्ले तो कैसा हिलता है, कैसे फ्यूल भी कम है इसमें। मुझे लगता है कि ये 390 नहीं है, ये 250 है। कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। बाहर हल्की हल्की सी बारिश है, अगर ज़ोर से हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमने रेन गियर नहीं पहना है। अरे भाई इसको क्या है, इसका पेट्रोल का इशू है क्या? जर्क दे रही है बारिश, हो रही है भाई, चालू हो गई बारिश। सिया सिया सिया, क्या करे वे सिया सी। अभी बैठ के मैं ना लिस्ट बना रहा था कि क्या क्या चीज़ हमें लेके जानी है इस ट्रिप पे, क्योंकि लंबा ट्रिप है, 1.5-2 महीने का ट्रिप है। तो इस राइड पे मुझे नए गियर्स चाहिए, नए राइडिंग गियर्स चाहिए, बूट्स तो हमने ले लिया है, तो कम टाइम है, कम टाइम में चीज़ें बहुत सारी हैं। टेंशन हो गया मेरे को यार, अभी वापस जाना है वहाँ पर। अभी भी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, इतना हल्का हल्का बारिश है तो फिर गोप्रो का टेंशन नहीं है, क्योंकि अपना जो गोप्रो है मीडिया मोड, वो वाटर रेजिस्टेंट है। और ये जो रेन कोट मैंने पहना हुआ है ना, ये बहुत पहले मैंने लेजियाज बाइकर से खरीदा था, बट इसको कभी यूज़ नहीं किया मैं, तो मेरे को सडनली ध्यान आया। फिर ये कहीं तो पड़ी हुई थी किसी कोने में, ढूंढ के निकाला इसको। ओहो, टाइगर का ब्लू नहीं दिख रहा मुझे, टाइगर का ब्लू नहीं दिख रहा मुझे। सही है निसार भाई, निसार भाई के पास ये पूरा वन पीस में नहीं था, तो निसार भाई वन पीस वाला लेके आए, शुक्रिया भाई बाकी सारे पीसेस हो गए शफीक। ओ लवली,
फुल ब्लैकी ब्लैकी बॉय। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जरा अब देखें क्या नाम है इसका। ब्लैक टाइगर। ये ब्लू टाइगर से ब्लैक टाइगर बन चुकी है, सब जगह से भी ब्लैक। ये हमारे जादूगर मिराज भाई, इन्होंने सब काम किया है, क्या बोलते हैं बंटा है। और निसार भाई का एक कोलीवाड़ा में, साइन कोलीवाड़ा में शॉप है, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। यही सब काम करते हैं भाई, मुझे याद किया मैं याद करेंगे तभी हम आ जाएंगे। ये मोहब्बत है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ना भाई कौन करता ही है इतना लोग तो एक कॉल पे आने वाले दोस्त क्या। शुक्रिया भाई, और शुक्रिया अपने फजिल भाई को भी जिनके वर्कशॉप में हमने ये काम किया, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद आज काम हमारा कम्प्लीट ही नहीं हो पाता। ठीक है, थैंक यू भाई लोग, मैं निकलता हूँ अपने लॉन्ग ट्रिप पे अभी। ठीक है शफीक, बैठ जा फटाफट। थैंक यू भाई एंड सॉरी भाई, लेट हो गया यार। चलो भाई ये काम तो हो गया, अभी सिर्फ आधा काम हुआ है। बाहर निकले और ये खतरनाक बारिश, शे मेरे को कोई टेंशन नहीं, बस अपने कैमरे का टेंशन है। तो मैं आप लोग को ये कह रहा था कि इसमें जो काम बचा है ना, अभी जो हुआ है काम, ये आधा काम हुआ है, इस पर और आधा काम होना बाकी है। तो अभी कोई भी जज नहीं करेगा क्या? अरे देखना इधर पे, यहाँ पर व्लॉग होता है समाप्त। फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। बाबा टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव लाइफ, लिव अ ड्रीम। इसका नाम हमने क्या रखा था? नाम क्या रखा था? रॉकेट। नाम रखा ही नहीं गया था एक्चुअली अपने कहीं। नहीं नहीं, इसका कोई सलीना। यस हम ही बोल इतना टाइम के बाद चला रहे तो नाम भूल के नाम रख